केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इंदौर की विधानसभा 3 के भाजपा प्रत्याशी आकाश विजय वर्गीय के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब विपक्ष के लायक भी नहीं रही है। एंटी कंबेंसी भाजपा के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के ही खिलाफ है। जनता उन्हें अब विपक्ष में भी नहीं देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में आकर पहले सीखना चाहिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरएसएस पर बैन लगाने की बात पर कहा कि आरएसएस एक विचारधारा है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। विचारधारा पर बैन कैसे लगाई जाएगी? उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में एक नया ही विपक्ष तैयार होगा, लेकिन उसमें भी 10 साल से अधिक का समय लगेगा। उमा जी ने जमकर कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय की तारीफ भी की। अब हम एक नई दुनिया की ओर जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस कहां टिक सकती है? कांग्रेस हमारा